सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। अभी हम बालू माथ प्रखंड के सरेगड़ा ग्राम में आए हैं और यहाँ के ग्रामीणों से पूछते हैं कि जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उस पर किस तरह की सरकार चाहिए और कैसे विधायक चाहिए जो इस क्षेत्र का विकास कर सके, और अभी तक जो विकास हुआ उसके बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी। आई कि ग्राम से क्या आपको लगता है इस बार? यहाँ लगता है विधानसभा चुनाव में बहुत से प्रत्याशी लोग हैं, लेकिन उसमें से कोई वैसा हम लोगों को भलाई करने के पक्ष में नहीं। आज सरेगड़ा में प्लस टू कॉलेज का दर्जा भले माना गया है, लेकिन अभी तक न शिक्षक है और न है। दूसरा में फुलवरी से गाड़ी ऐसे आती है, इसकी प्रदर्शन से हम लोग बहुत दर्शित हैं। साथ साथ है कि इसके लिए हम लोग कदम उठाया, बहुत से लड़कन पर केस भी हुआ है, लेकिन विधायक भी इस पर कोई पहल नहीं किए। और रही बात की भाजपा की जो सरकार है उसकी और काम से, तो हम लोग कुछ संतुष्ट हैं और कुछ नाराज़गी भी है, लेकिन उसमें अगर सुधार हो तो और अच्छा रहेगा, इसलिए हम लोग भाजपा का ही सपोर्ट करते हैं। मोदी के काम से हम लोग संतुष्ट हैं। विधायक का कार्यकाल वैसा संतोषजनक नहीं है, न हमारे यहाँ रोड बिजली का भी हिसाब सही नहीं है, सिर्फ बिल आते रहता है, टाइम से हम लोग नहीं मिल पाता है, सड़क का भी स्थिति उसी ढंग से है, रोजगार में भी कमी है, फुलवरी दूसरे जिला से कोयला लेके जाते हम लोग सिर्फ गर्दा मिलता है, इससे भी हम लोगों को कुछ लाभ मिलना चाहिए। तो जो भी विधायक लोग खड़े हैं, बैजनाथ राम को भी मंत्री बनने के बाद भी, शिक्षा विभाग रहने के बाद भी इस लातेहार जिला के लिए उसने भी कुछ कार्य कर नहीं दिखाए। प्रकाश राम भी दो तीन बार जीते, लेकिन बालूमाथ प्रखंड में उनका कोई नहीं रहा, बारी आतू के लिए बहुत सा काम करके दिखाए हैं। और उम्मीद करते हैं कि अगर अब की इलेक्शन में प्रकाश राम आते हैं तो थोड़ा पब्लिक के ऊपर ध्यान दें, वृद्धा पेंशन भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, ऋण का भार बढ़ते जा रहा है, इसे मुक्ति के लिए उपाय होते रहेगा तो और अच्छा होगा। मोदी के सपोर्ट के चलते हम लोग सपोर्ट करने को इच्छुक हैं। क्या लगता है इस बार कैसे आपका यहाँ पर जो विधायक होना चाहिए जो इस क्षेत्र का विकास करे? हमारे वो क्षेत्र में कम से कम विधायक के क्षेत्रीय पार्टी हो कि ताकि ग्रामीण जनता के आगे रूबरू हो और कार्य यहाँ का देखभाल में क्लियर करें। हमारे क्षेत्र में झारखंड क्षेत्र में हमारे कम से कम एकल सरकार हो कि ताकि परिपूर्ण रूप से भी कोई भी कार्य को निर्णय ले और कार्य हमारे क्षेत्र में झारखंड को काम सही रूप से हो। हमारे क्षेत्र का विकास तो हमारे हिसाब से अभी तो परिपूर्ण रूप से नहीं हो पाया है, ना हमारे छोटे छोटे गांव देहात में सड़क जाने का रास्ता नहीं है, हमारे जत्राटांड में मेला लगती है तो रास्ते का अभी तक कच्चा है, अगर हमारे गांव जनता लोग वहां जाते हैं तो रास्ता की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभी जबपुर के विधायक क्षेत्र में कितना विकास हो पाया है? क्षेत्र के विकास में तो अभी उतना नहीं हो पाया है, प्रकाश राम जी तो अभी आए हुए हैं बीजेपी में कार्य भर हो, इसीलिए अभी भर हम लोग सोच रहे हैं कि एकल सरकार को बनाएं। यहाँ की मूलभूत समस्या क्या है? जो मूलभूत हमारे यहाँ क्षेत्र में है कि रोड में अभी आवागमन बड़ी गाड़ियों के ज़्यादा हो रही था, इसीलिए रोड के जितनी जनते हैं चाहे पब्लिक हो धूलकण से बहुत ज़्यादा परेशान है, इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं कि थोड़ा सा इस रोड में झाड़ू लगे और रोड लोग से थोड़ा सा निजात मिले, पानी समय रह रहा के छिड़काव हो। क्या लगता है आपको कैसा क्षेत्र का विकास होने विधायक को होना चाहिए? जितने भी विधायक आ रहे हैं वो अपना सही रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं, जनता के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना मर्जी से काम करते हैं, अपना जो मर्जी होता है वो करते हैं। देखिए अभी गाड़ियों का परिचालन जारी है, आप देख सकते हैं गाड़ी किस तरह से धूल उड़ा रही है, होटल में यहाँ खड़ा होना दुभर है जनता का, जनता को कई तरह की बीमारियाँ हो रही है, टीबी है या बहुत सारी बीमारियाँ हैं, खांसी है ना, ये सब बढ़ जा रहा है, इन्फेक्शन बढ़ जा रहा है। और जबकि हमारा बाईपास का निर्माण हो चुका है,
हमारे डीसी राजीव कुमार के द्वारा, लेकिन उसके बाद भी जो है अभी देखिए कि गाड़ियों का परिचालन जारी है और इसमें कोई पहल नहीं करते हैं। क्षेत्र के लिए जो विधायक है वो किस तरह का होना चाहिए, क्या उसका कार्य होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पे देखिए हम लोगों को हमारे यहाँ से कोयला जाता है, लेकिन यहाँ का युवा, यहाँ का आदमी बेरोजगार है, इसको इस पर कोई पहल नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी किसी प्रकार का आवाज़ उठाता है जनता, उस पर केस होता है ना, इस पर विधायक भी कोई पहल नहीं करता, चाहे किसी भी पार्टी का विधायक हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे जेईएम का हो, चाहे जेएमएम का, किसी प्रकार का विधायक हो, वह जनता के लिए काम ही नहीं करती है। एक नंबर अपना सिर्फ देखता है आदमी। अभी देखिए विधायक आपका प्रकाश राम बने, श्री पारियादी का विकास हो, वो तो लातेहार का विधायक थे, लेकिन देखिए आपका सेरेगढ़ आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। अभी बहुत सारा रोड बाकी है, अभी जर्री से लेकर के आपको बालूमाथ तक जो रोड बना है, जो बड़का बालूमाथ होकर के है, उसमें देखिए वो रोड को नहीं बनाया जा रहा है, उस पर कोई किसी का ध्यान नहीं है। सिर्फ वोट चाहिए, जनता वोट करेगी और नेता अपना पैकेट भरेगा, विधायक अपना पैकेट भरेगा। ये जनता के बारे में कोई किसी पार्टी का विधायक हो, जनता के बारे में किसी का सोच नहीं है कि जनता क्या क्या समस्या है, उसका कैसे निदान होगा, क्या चाहते, कैसा विधायक होना चाहिए। जो किसी पार्टी से विधायक आए, जनता का समस्या को सुने, अगर कोई समस्या है, प्रशासन दबाव बनाती है, पुलिस झूठा केस करती है, उसका जाँच पड़ताल होना चाहिए, विधायक उस पर पहल करे। नारियों के साथ, यहाँ लेडीजों के साथ आंदोलन किया गया 2 अक्टूबर 2018 में आंदोलन किया गया प्रदूषण के खिलाफ, प्रशासन जबरदस्त उन लोगों को मारा पीटा गया, उनके साथ बेइज्जती किया गया। हमारे विधायक प्रकाश राम जी यहाँ गणेशपुर आए थे, लेकिन वो एक खबर सुन के पुनः वापस मुरपा तरफ से लौट गए, लेकिन यहाँ नहीं आए। इस तरह का विधायक रहेंगे, बताइए हमारे क्षेत्र का कितना विकास होगा। नारियों का सम्मान, हमारा देश जो है नारी प्रधान देश है, ठीक है, नारियों का सम्मान बराबर किया गया है हमारे देश में, ठीक है, लेकिन आज नारी के बारे में जो है जिस तरह से बीजेपी सरकार, मतलब ये नारी के साथ बर्बरता के साथ, आप देख सकते हैं रांची में लाठीचार्ज किया गया, सेरेगढ़ा में आपका जो पथरा हुआ, सिर्फ एक दो पत्थर चला पुलिस पर, उसको हाईलाइटेड करके आज 13 आदमी के ऊपर केस किया गया, हम लोग केस लड़ रहे हैं अभी आगे जाके, ठीक है। तो इस तरह का माहौल आज बीजेपी के राज्य में है, जनता की समस्या को नहीं सुना जा रहा है। इसलिए किसी भी पार्टी से विधायक आए, चाहे बीजेपी हो, जेवीएम हो, जेएमएम हो, कोई भी पार्टी हो, इसमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन जनता की बात को सुने हो, बस यही कहना चाहिए। क्या लगता है इस बार आपको कैसा विधायक होना चाहिए, विकास विधायक वैसा हो जो अपने अपने क्षेत्र में टाइम दे, समस्या को समाधान करे, और कोई भी विधायक बने उसको घर घर कुछ नहीं पहुँचा सकता है, लेकिन जो भी समस्या है उसको समाधान करें। अरे मुर्खा, आज हमारे क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन सोशल के गाड़ियों का परिचालन हो रहा है, लेकिन जो रोड में व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हमारा प्रतिनिधि वैसा हो जो इस मामला को भी उठाए और सीसीएल को अपना अपना दबाव दे, जो उसका सीएसआर जो भी प्रक्रिया है, यानी धूलकण रोकने के लिए जो उपाय है वो किया जाए। अभी तक क्या लगा आपको इस विधायक के द्वारा, किस तरह कार्य किया गया क्षेत्र का विकास किया गया? इस विधायक से बहुत हद तक हम संतुष्ट हैं, क्या है कि जो अभी पूर्व में जो प्रकाश राम विधायक थे, क्षेत्र में बहुत ही समय देते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, हर संभव जो कोशिश होता है करते हैं। यहाँ की मूलभूत समस्या क्या है जो अभी तक नहीं हो पाया, इसके लिए जो प्रयास मूलभूत समस्या मेन अभी सिर्फ रोड से जुड़ा हुआ है, यहाँ सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग का कार्य अधिक हो रहा है। अभी रेल से जो बाईपास रोड था वो बना है, लेकिन जो जर्री से क्या हो रहा है, एरोप्लेन से जा रहा है, जर्री से जो रोड बालूमाथ तक जो बाकी है, अभी वहाँ पर बाइक चलना या छोटी गाड़ी चलना इतना मुश्किल है, और उस रोड पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सीसीएल जो अपना रोड जिसमें ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो रोड सिर्फ देती है, अब बाकी पर जो रोड बचा हुआ है उस पर कोई ध्यान नहीं देता, तो कोई भी प्रतिनिधि आए उस पर ध्यान दें। क्या लगता है जिसको देख कर, क्या वोट के लिए आपको क्या असर लगता है, वोट किस तरह से देना चाहते हैं? वोट हम लोग समर्थन करेंगे जो विकास के राह पर जो समय का। यहाँ पर ग्रामीणों के सबकी अपनी अलग अलग राय है, किन्हीं का मत है कि जो विधायक है वो पूर्व का अच्छा कार्य किए हैं, कुछ लोग कहना कि जो विधायक है यहाँ पर वो मतलब यहाँ की जो जन समस्या है उस पर ध्यान नहीं दिए, और यहाँ पर जो 5 साल का तो कार्यकाल बीत चुका है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब लोग चुनाव पूर्व नज़दीक ही आ रहे हैं और यहाँ पर लोगों की अपनी समस्या है कि कोई विधायक हो क्षेत्र का विकास करें और यहाँ की जो मूलभूत समस्या उसका निदान करें। पंकज सिन्हा, सिटी न्यूज़, बालूमाथ।